नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। सभी दर्शकों के दिमाग में यही बात चल रहा है कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप में क्या करने वाली है, क्योंकि हमारी टीम पिछले कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन करके आ रही है। ऑस्ट्रेलियन टीम से सीरीज हारने के बाद इंडियन टीम का मनोबल कुछ छोटा हुआ है, पर सभी दर्शकों को यकीन है कि ये सारी चीजें टीम सही कर सकती है। आज इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इंडियन टीम पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन टीम की मजबूती के बारे में बात करूंगा। अगर हम टीम के मजबूत पक्ष की बात करें तो हमारा ध्यान बैटिंग से पहले बॉलिंग पर जाता है, क्योंकि वो समय कुछ और था जब हमारी टीम सिर्फ बैटिंग पर निर्भर रहती थी। आज हमारी टीम की बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है जितनी की बैटिंग। अगर हम टीम की मजबूती देखें तो इंडियन टीम की बैटिंग तो हमेशा की तरह अच्छी है ही, पर टीम में दो वर्ल्ड लेवल ऑलराउंडर भी हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं बॉलिंग में चहल, कुलदीप, भुवनेश्वर कुमार और शमी काफी अच्छे फॉर्म में हैं। बैटिंग में कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और धोनी अच्छे टच में चल रहे हैं। इस साल धवन और केएल राहुल ने तो आईपीएल में अच्छे रन भी बनाए हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए टीम काफी मजबूत दिख रही है, पर टीम में कुछ कमजोरियां भी हैं जो अभी दिख रही है। चलिए इन्हीं कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। अगर हम टीम की कमजोरी की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में चार नंबर पर कौन बैटिंग करेगा ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, और बॉलिंग यूनिट में कुलदीप यादव का फॉर्म में ना होना भी समस्या पैदा कर सकता है। और आईपीएल में चोटिल हुए केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार अगर ठीक नहीं हुए तो टीम की चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी सभी चीजें ठीक दिख रही है, पर एक समस्या यह दिख रही है कि क्या विजय शंकर चार नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म आईपीएल में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। एक दो मैचों को छोड़ दिया जाए तो विजय शंकर ने किसी भी मैच में अच्छा खेला नहीं है। इन्हीं सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली को डिसीजन लेना होगा। बाकी सभी चीजें ठीक है, टीम काफी बैलेंस है, टीम अच्छी है। अब तो हम सभी वर्ल्ड कप आने का वेट कर रहे हैं। इतना सभी कुछ होने के बाद भी इंडियन टीम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मजबूत टीम है। वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आगे अगर आप वर्ल्ड कप से जुड़े न्यूज चाहते हैं तो क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।